बाबा को गिरफ्तार किए हैं, जो कि लोगों को तीन गुना पैसे करने के अपनी सिद्धियों के बल पर लालच दे रहा था और पैसे की ठगी कर ली थी। जामताड़ा में मंत्र और सिद्धि के जरिए पैसा तिगुना किए जाने का मामला सामने आया है। इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पैसा तिगुना करने के नाम पर ठगी करने की बात तब खुलकर सामने आई जब पुलिस ने ऐसा करने का दावा करने वाले दो लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है वे हरियाणा के रहने वाले हैं। ये बाबा के भेष में इलाके में लोगों को झांसा में ले रहे थे। इनका नाम राहुल कुमार शर्मा और पवन शर्मा है। पुलिस दोनों से पड़ताल कर रही है। मंत्र और सिद्धि के जरिए पैसा तिगुना करने की बात कहकर दोनों ने धर्मपुर ग्राम के मोहम्मद हुसैन नामक एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया था। दोनों ने इस व्यक्ति से 40,000 रुपये की ठगी की। जब मोहम्मद हुसैन को ठगे जाने का एहसास हुआ तब स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दोनों को खोजने लगे। 25 सितंबर को ग्रामीणों ने इस दोनों बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद मामला दर्ज कर दोनों ठग बाबा को जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार इस प्रकार का बाबा इलाके के लोगों को अपने झांसे में लेकर तंत्र मंत्र के द्वारा रुपया तिगुना करने की बात कहकर ठगने का काम किया करता है। ये बात इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठग के द्वारा रुपया तीन गुना करने का वीडियो भी क्षेत्र में वायरल हो रहा है। ठग द्वारा लोगों से रुपया पहले लिया जाता था, इसके बाद उसे तिगुना करने का झांसा दिया जाता था। ठग द्वारा इतनी चालाकी से ठगी को अंजाम देता था और लोग इनके झांसे में आ जाते थे। हालांकि किसी को ये ठग बाबा रुपये तीन गुना करके दिया हो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, मगर ठगी का शिकार हुए पीड़ित ने इस बात को पुलिस को बताया है कि बाबा ने उसे 40,000 रुपये ठगा है रुपया तीन गुना करने के नाम पर। ठग बाबा का एक वीडियो भी क्षेत्र में वायरल हो रहा है जिसमें बाबा तंत्र मंत्र के माध्यम से रुपये को तीन गुना करते हुए रुपये की बारिश करता हुआ दिख रहा है। इसी वीडियो को दिखाकर लोगों से ठगी करता था। तथाकथित बाबा को गिरफ्तार किए हैं, जो कि लोगों को तीन गुना पैसे करने के अपनी सिद्धियों के बल पर लालच दे रहा था और पैसे की ठगी कर ली थी। इस संबंध में नारायणपुर थाना में कांड दर्ज कराया गया है और जो बाबा है वो बेसिकली हरियाणा जिले के रहने वाले हैं, अनिल शर्मा है। उसका स्वीकारोक्ति में उन्होंने बताया कि उसका काम यही है कि लोगों को पैसे का पाँच गुना तीन गुना का लालच देकर पैसे की ठगी करते हैं और अपने ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बताते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त है, जिससे वो तीन गुना पैसा होता है। इसमें लोगों के द्वारा बताया गया कि ऐसा वीडियो भी एक वायरल हुआ था। पूर्व में भी इन्होंने आके यहाँ पर ठगी की थी, जिसमें कि इन्होंने अपना वीडियो दिखाया था लोगों को, जिसमें पैसा ऊपर आसमान से बरसते हुए दिखाया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।